एक रोज शोहर ने पुरसकून माहौल में अपनी बीवी से कहा, बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने घरवालों, बहन भाइयों और उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है। मैं उन सबको घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। बीवी ने गोलमोल अंदाज से कहा, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। शोहर बोला, तो फिर मैं अपने घरवालों को दावत दे दूंगा। अगली सुबह शोहर अपने काम पर चला गया और दोपहर को घर वापस आया। उसने बीवी से पूछा, क्या तुमने खाना तैयार कर लिया? मेरे घर वाले एक घंटे बाद आ जाएंगे। बीवी ने कहा, नहीं मैंने अभी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो हैं नहीं, लिहाजा जो कुछ घर में पका होगा वही खा लेंगे। शोहर बोला, अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया था कि खाना नहीं तैयार करोगी? वो लोग एक घंटे बाद पहुंच जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? बीवी ने कहा, उनको फ़ोन करके माजरत कर लो, इसमें ऐसी क्या बात है, वो लोग कोई गैर तो नहीं, आहर तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। शोहर नाराज़ होकर गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अपने घर वाले, बहन भाई और उनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। बीवी के बाप ने कहा, दामाद जी कहाँ हैं? वो बोली, कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं। बाप ने बेटी से कहा, तुम्हारे शोहर ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर हमें आज दोपहर के खाने की दावत दी थी, ये कैसे मुमकिन है कि वो दावत देकर खुद घर से चला जाए? ये बात सुनकर तो बीवी पर तो गोया बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में मौजूद खाना उसके अपने घरवालों के लिए किसी तौर लायक न था। अलबत्ता यकीनन उसके शोहर के घरवालों के लायक था। उसने अपने शोहर को फ़ोन किया और पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर मेरे घरवालों को दावत दी है? शोहर बोला, मेरे घर वाले हूँ या तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है? बीवी ने कहा, मैं मिन्नत कर रही हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई तैयार चीज़ लेकर आओ, घर में कुछ नहीं है। शोहर बोला, मैं इस वक्त घर से काफ़ी दूर हूँ और वैसे भी ये तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, कोई गैर या अनजान तो नहीं, इनको घर में मौजूद खाना ही खिला दो, जैसा कि तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहती थी, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक बन जाए जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम सीख लो, लोगों के साथ वैसा ही मामला करो जैसा तुम खुद उनकी तरफ से अपने साथ मामला पसंद करते हो।